सागर जिले के खुरई सहित आसपास के इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात पूरी तरह बिगड़ गए हैं और लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। बताया गया कि नदी नाले उफान पर होने से यहां के रास्ते बंद हो गए हैं और 100 से ज्यादा ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया है। लोग खुरई से पठारी व राहतगढ़ के आसपास के इलाकों में भी नहीं जा पा रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। बताया गया कि कई लोग तो पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन पानी उतरने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसा ही रक्षाबंधन पर अपनी बहन से राखी बंधवाने गए बेरी गांव के 2 लोग नदी किनारे बने एक ढाबे पर ही डेरा डाले थे। खाने का सामान खत्म होने से वे भूख से परेशान हो गए थे। ऐसा ही एक महिला अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई थी लेकिन नदियां उफान पर होने से वह ना तो घर जा पा रही थी और ना ही कहीं अन्य रिश्तेदार के घर जा पा रही, जिससे वो भी काफी परेशान हो गई थी। हम मड़खरी के रहने वाले हैं, तीन से आई आए थे भाई थे ना राखी है। तो फिर कहा नदी चढ़ी है, रात मुंडरा में रहे थे, नदी चढ़ी बिना चढ़ी सोते से लौट आए, घर नहीं लौट पाई वापस, घर नहीं जा पा रहे। अब इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? बहन के ना जा रहे थे, सोते जा चढ़ी नदी, कहीं नहीं जा पा रहे, जी ठाणे जेल में जना गए थे राखी बनवावे गुआरी गांव, उतर सन लौटे इतिहास 12 बजे से 12 बजे से बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं, उतर नहीं पा रहा है, कोई खाना पीना की व्यवस्था नहीं, नदी चढ़ी है नारायण नदी।